दोस्तों स्वागत है आप सभी का ठाकुर ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में आप लोग को और एक शक्तिपीठ का दर्शन करवाएंगे और उस शक्तिपीठ के बारे में कुछ रहस्यमय बातें बताएंगे भी। तो चलिए आज के ब्लॉग में आप लोग भी उस शक्तिपीठ का दर्शन कीजिए और लास्ट तक ब्लॉग में बने रहिए। तारापीठ भारत के वेस्ट बंगाल राज्य के वीरभूम जिले में स्थित एक छोटा सा शहर है। पूर्वी रेलवे के रामपुर हॉल्ट स्टेशन से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तारापीठ। सिमुल के वृक्ष के पास सती देवी का तीसरा नेत्र गिरा था, उसी जगह पर उग्र तारापीठ स्थित है जिसे हम आज तारापीठ के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक सिद्ध पुरुष बामाखेपा का जन्म हुआ था। तारापीठ से 2 किलोमीटर दूर स्थित अटला गांव में सन 1244 ईस्वी फागुन महीने में बामाखेपा का जन्म हुआ था। घर में खाने पीने की चीजों का सदा अभाव रहता था। उनके माता पिता बहुत धार्मिक थे। जब वह 11 वर्ष के थे और उनका भाई केवल 5 वर्ष का था, तब उनके ऊपर बहुत भारी मुसीबत आई। उनके पिता सर्वानंद जी बहुत बीमार हो गया और उनका काली कहते हुए स्वर्ग वो सिधार गए। अठारह वर्ष की अल्प आयु में बामाखेपा को सिद्धि प्राप्त हुई और वे संसार में पूज्य हुए। जिस प्रकार राम परमहंस जी को दक्षिणेश्वर में काली जी का दर्शन हुआ था, उसी प्रकार बामाखेपा को भी तारापीठ में महाश्मशान में माँ तारा के दर्शन हुए थे। मंदिर के बगल में ही श्मशान है, वहाँ पर तारा देवी जी का मंदिर भी है। यहाँ पर आकर यात्री लोग मनोकामना के लिए ध्यान करते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस मंदिर के पास बामाखेपा का समाधि मंदिर भी है। तारापीठ मुख्य मंदिर के सामने महाश्मशान है, वहीं पर द्वारका नदी भी है। इस नदी में आश्चर्य की बात यह है कि भारत की सब नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, लेकिन यह नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तारापीठ राजा दशरथ के कुल पुरोहित वशिष्ठ मुनि का सिद्ध आसन भी रहा है, इसलिए यह हिंदुओं का महातीर्थ कहलाता है। बताया जाता है कि प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ यहाँ माँ तारा की आराधना करके सिद्धियाँ प्राप्त किए थे।
माँ तारा के मंदिर के अंदर संगमरमर से सजाया गया है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर जो नक्काशी की गई है वो बेहद आकर्षक जान पड़ता है। देवी की तीन आँखों को यहाँ देखा जा सकता है, जिसे माँ तारा भी कहा जाता है। मंदिर के पास आपको कई दुकानें मिल जाएंगी, वहाँ से आप अपना प्रसाद खरीद सकते हैं। तारापीठ मंदिर मॉर्निंग में 4:30 AM में ओपन हो जाता है और 6:30 AM में वहाँ मॉर्निंग आरती होता है, और इवनिंग का जो आरती होता है वो 6:30 PM में होता है, और मंदिर 8:30 PM में फिर क्लोज हो जाता है। तारापीठ में प्रसाद के रूप में शराब भी चढ़ाया जाता है। तारापीठ के तांत्रिक साधु तथा अघोरियों के द्वारा माता को चढ़ाते हैं शराब और खुद भी शराब का सेवन करते हैं। तारापीठ में रोज सैकड़ों बकरों की बलि भी दी जाती है। तंत्र मंत्र शक्ति को मानने वाले लोगों के लिए तारापीठ का महत्व काफ़ी ज़्यादा है। तारापीठ के श्मशान में जलने वाले सब का धुआं सीधे तारापीठ मंदिर के गर्भगृह तक जाता है। अघोरियों तथा तांत्रिकों के लिए तारापीठ बहुत ही खास जगह है, क्योंकि इन लोगों के लिए यहाँ सिद्धि प्राप्त करना काफ़ी आसान हो जाता है। तारापीठ मंदिर का एक नियम है, वहाँ प्रतिदिन आपको सुबह में 1 ग्लास पहले जलेगा, उसके बाद ही मंदिर का पट खुलेगा। अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तारापीठ, तो आपको रामपुर हाट रेलवे स्टेशन पे उतर जाना है। वहाँ से आप ऑटो रिजर्व करके या रेंट पे कार लेकर के तारापीठ मंदिर तक पहुँच सकते हैं। वहाँ से 9 किलोमीटर है तारापीठ मंदिर, आप विदिन 15 to 20 मिनट्स में पहुँच जाएंगे। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आप नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता में लैंड कर जाएं। वहाँ से आप रेंट पे कार ले लें और 4 to 5 आवर में तारापीठ पहुँच जाएंगे। कोलकाता से तारापीठ का डिस्टेंस 224 किलोमीटर है। अब मैं आपको कुछ कैपिटल सिटी से बता देता हूँ तारापीठ का डिस्टेंस। रांची झारखंड से तारापीठ का डिस्टेंस 330 किलोमीटर है। पटना बिहार से तारापीठ का डिस्टेंस 392 किलोमीटर है। तारापीठ में आपको स्टे करने के लिए सोचना नहीं होगा, वहाँ पर आपको 8 से 8 होटल, बढ़िया होटल मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको 3 स्टार से लेकर के 5 स्टार होटल तक मिल जाएंगे। तारापीठ आप जाएं पूजा करने के लिए तो आप पहले ही वहाँ होटल्स का बुकिंग करके जाएं ऑनलाइन, क्योंकि वहाँ अगर आप डायरेक्ट जाएंगे तो होटल मिलना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो टूरिस्ट प्लेस है और होटल पूरा फुल रहता है। तो आप अपना ऑनलाइन बुकिंग करके जाएं तारापीठ। तारापीठ में एक और सुविधा भी है, अगर आप होटल का खाना नहीं चाहते हैं तो वहाँ पर है कि बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं मार्केट में ठेले के, या कुछ छोटे होटल्स भी हैं, तो आप उनको मटेरियल खरीद के अपना दे दें, जो भी आपको खाना है वेज या नॉनवेज में वो आपको बना देंगे। आप जैसा बोलेंगे उसी प्रकार का वो बना देंगे, कम मसाला में, घर के जैसा। और फिर आप वो अपना जहाँ पर आप स्टे किए हैं वहाँ पर आप लेते आएँ और फिर वो अपना आप खा लें। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, जिनको घर के जैसा खाना खाना है वो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो आप वेस्ट बंगाल अगर आ रहे हैं घूमने के लिए तो तारापीठ भी जरूर जाएं पूजा करने, दर्शन करने और घूमने के लिए। दोस्तों, अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।